भाइयों और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। मिस्टर वेटिंग प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी, आपने ये सवाल मोदी जी से पूछे या देश से, इससे हमें कोई विशेष सरोकार नहीं है, पर ये आप किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? राजनीति करने का भी अपना ढंग होता है। आप मोदी से विरोध करते आए और करते रहोगे, ये आपकी राजनीतिक मजबूरी है। पर मोदी से विरोध करने के चक्कर में आप ये भूल जाते हो कि आप देश के खिलाफ हो जाते हो। आप सवाल उठा रहे हो सेना के ऊपर, आप मोदी के ऊपर लाख सवाल उठा सकते हैं, आप सेना के ऊपर सवाल उठा सकते हैं। यदि इतिहास यदि खोला जाए तो उसमें आप कलंकित निकलेंगे। आप जो घटना घटी उस घटना के बारे में आप सवाल उठा रहे हो कि सेना वहां पर निहत्थे क्यों थी, इतने सैनिकों को मार दिया, इसके लिए दोषी ये है वो है। थोड़ा एक छोटा सा कॉमन सेंस तो इतना थोड़ा कॉमन सेंस तो होना चाहिए था कि जिस जगह पर यह घटना घटी वहां पर कर्नल रैंक के एक ऑफिसर्स वहां पर मौजूद थे, अर्थात कि वहां पर यदि कोई फैसला लिया गया होगा तो किसी कर्नल रैंक के ऑफिसर ने या उनके बड़े ऑफिसर ने लिया होगा, तो उसके लिए आप सीधे तौर पे किसी को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हो, क्योंकि कोई कई फैसले होती सरकार सेना अपने स्तर पे लेती है। अब थोड़ा बहुत तो आप समझिए ना। अब आपके बारे में मतलब ये राजनीति करने का कौन सा तरीका होता है? राजनीति की अपनी मर्यादा होती है, अपनी लिमिटेशन होती है, पर जहां देश का सवाल होता है, जहां देश की सीमाओं की सुरक्षा का सवाल होता है, उस जगह पर कोई भी राजनीति नहीं करता है। न तो आपके पहले किसी कांग्रेसी ने की, ना उसके बाद कभी कोई कर सकता है, पर आप सबसे अपवाद है। अफसोस तो इस बात का होता है कि आप सिर्फ सवाल पूछना जानते हैं, सवालों के जवाब देना आपके बस की बात नहीं है। आपसे पूछा जाता है 1948 में नेहरू जी ने पूरा कश्मीर पाकिस्तान को सौंप दिया था, सरेंडर कर दिया था यूनाइटेड स्टेट में जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर। 1962 में चीन ने लाखों वर्ग किलोमीटर की हमारी जमीन हड़प ली थी। थोड़ा तो समझने की जरूरत है, कम से कम इस चीज के बारे में समझिए। कम से कम वैसा तो इस बार नहीं हुआ जब सेना कह रही है कि एक इंच भी जमीन किसी को नहीं दी गई। सर्वदलीय समिति में जब सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी जब कह रहे हैं कि एक इंच भारत की सेना पर चीनियों को हमने पैर नहीं रखने दिया, तो थोड़ी तो इस बात की शर्म करो कि थोड़ा तो विश्वास करो। पर आपको विश्वास होगा ही क्यों? जब चीना जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो भी आपको प्रॉब्लम है, जब सेना एयर स्ट्राइक करती है तो भी आप सबूत मांगते हो। ये सबूत मांगने की कौन सी आपकी प्रक्रिया है? आखिर आपके मन में चल क्या रहा है? ये कौन सी राजनीति कर रहे हो आप लोग? अपनी पिछली गलती से आपने अभी तक सबक नहीं सीखा। आप सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का सपना देख सकते हो, पर उसके लिए जो एक कुव्वत होनी चाहिए थी वो कहीं नजर नहीं आ रही है। अब शर्म मुझे इस बात में नहीं आती, शर्म मुझे तो कई बार जब आपके ऐसे स्पीच आते हैं जो बिल्कुल जिसके लिए कोई प्लानिंग ही नहीं की हुई, ऐसे स्पीच जिससे कि पुराने कांग्रेस की उनको भी शर्म आ जाती है, उनको सवाल जवाब देने पड़ते हैं। नहीं, यदि देश में कोई दंगा हो गया होता, अभी कोई ऐसा कुछ हो गया होता, तो सबसे पहले आपका परिवार दंगा पीड़ित हो गए, विशेष वर्ग विशेष के दंगा पीड़ित हो गए, घर घर जाके मिलते हैं। यहाँ पर इतने शहीद हुए पर आपको फुर्सत मिली किसी एक को भी जाके उसके बारे में हालचाल पूछे? नहीं। जहां पर आपको आप हमेशा सुविधा की राजनीति करते आए, जब आपको लगता है कि नहीं, जहां जाने से एक वर्ग विशेष यदि खुश हो सकता है तो वो राजनीति आपको सूट होती है। चीन से गुप्तगु आप करते हैं, चीन की जो वहां की जो पार्टी है जो सरकार में है उससे आपकी पार्टी का एमओयू साइन होता है, गलबैया आपकी होती है, रात के अंधेरे में आप मिलते हो, पार्टियां आप करते हो, और आज देश से सवाल पूछ रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको कम से कम। यदि किसी के साथ भी मोदी पर आपको भरोसा नहीं है तो कम से कम इस देश की सेना के ऊपर तो भरोसा रखिए, क्योंकि वहां पर जो मारे गए हैं वो इनको कोई मौत शौक नहीं चढ़ा होगा। और आप कहते हो कि हथियार इस्तेमाल करने का उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया? देखिए, आप नहीं समझोगे, क्योंकि कभी सेना में आप गए नहीं, सेना की वर्दी आपने कभी धारण की नहीं। सेना का अपना प्रोटोकॉल होता है, अपनी एक मर्यादा होती है, उस लिमिटेशन में बंद के सेना काम करती है। थोड़ा इस बात को समझिए, कम से कम इस देश को राजनीति की आग में मत झोंकिए। यदि आप मोदी का साथ नहीं दे सकते हो, यदि सेना का साथ नहीं दे सकते हो, तो आप विरोध भी मत कीजिए। जब आप एक स्पीच देते हो, एक कोटेशन, एक लाइन देते हो, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान उसी लाइन की आड़ में जाके अपना प्रस्ताव रखता है। आपकी जो लाइन है, जो देश विरोधी लाइन है, चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स अखबार है उसकी सुर्खियां बना देता है, अर्थात कि इस विश्व में एक माहौल बनता है कि देखो इनके देश में इस प्रकार से है। नहीं, प्लीज
आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अभी सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए, अपनी पिछली गलतियों से सीखिए। 400 से 40 तक आप लोग आ गए सिर्फ आपकी गलतियों की वजह से। ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई मोदी जिम्मेदार नहीं है। मोदी तब तक किसी को नहीं हरा सकता है जब तक कि सामने वाला हारना नहीं चाहे। आपकी गलत नीतियों की वजह से, आपकी तुष्टिकरण की राजनीति की वजह से, देश विरोध की वजह से, सेना से सबूत मांगने की वजह से, आतंकवाद के प्रति आपका जो नरम रुख रहा उसकी वजह से, इसकी वजह से आप पिछड़ते रहे और भी बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे। आप देखिए, आप सवाल पूछे, जिस कांग्रेस सरकार ने आपके पहले सड़कें नहीं बनाई, पुल नहीं बनाए, उनका अपना एक तर्क होता था कि वहां पर सड़कें पुल होगी तो दुश्मन आराम से हमारे धरती की हमारे यहाँ घुस जाएंगे। पर आप देखिए, ढोकलाम विवाद हुआ था, 6 महीने तक विवाद चला, मजा ले जो पाकिस्तान को 1 इंच जमीन दी गई, 1 इंच जमीन दी गई। अखबार की सुर्खियां कोई एक लाइन उठा के आप सीधा देश के ऊपर आरोप बढ़ लेते हो, सेना के ऊपर आरोप बढ़ लेते हो, जिन सेना के जवान शहीद हुए उनके परिवार वाले भी आपको कह चुके हैं कि इतनी सस्ती और घटिया राजनीति मत कीजिए, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, पर देश पहले भी था, अब भी और आगे भी रहेगा। कम से कम इस बारे में आप लोग समझ लीजिए, नेता चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, सस्ती और घटिया राजनीति उन्हें आखिर डुबो देती है। अभी भी यदि आपको समझने में देर नहीं हुई है तो समझ लीजिए कि ये अंतिम क्षण यदि आप लोग गिन रहे हो, आप आपकी गलतियों की वजह से डूबे हो, न कि मोदी की गलतियों की वजह से। आज मोदी के साथ देश खड़ा है, सेना के साथ पूरा देश खड़ा है, और देश के साथ आप खड़े होने चाहिए और खड़े होते हुए दिखने भी चाहिए, क्योंकि सबसे पुरानी आप पार्टी हैं, क्योंकि आपकी अपनी एक जवाबदेही बनती है देश के प्रति, देश में सबसे ज्यादा आपने शासन किया है, और इस बात का थोड़ा ख्याल रखिए आगे से जब भी ऐसा होता है, क्योंकि एक प्रत्यक्ष युद्ध तो अभी शुरू नहीं हुआ है, और जिस दिन शुरू हो जाएगा, जिस दिन दुश्मनों को ये पता चलेगा कि देश के अंदर यदि इस प्रकार से यदि फूट है, तो आप समझ लीजिए इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। इससे बेहतर कि आप सोचिए उस फूट का, वो पूरी तरीके से फायदा उठाएंगे। कम्युनिस्ट अलग राव गलापते हैं, जो दूसरी जो पार्टियां हैं, जो लिबरल है वो अलग राबर लागती है, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ खरीदे हुए पत्रकार अलग राग अलाप रहे हैं। जो जीरो ग्राउंड पे जो वास्तविक स्थिति है, उस वास्तविक स्थिति को किससे जाना? क्या आप वहां पर गए, वहां पर क्या हुआ, क्या वहां जवानों से मिले, जो घायल जवान है उनसे मिले? आप सीधे इधर उधर की बातें हवा हवाई उड़ा के एक स्पीच डाल देते हुए ट्विटर पे आप लोग चहक लेते हो, बस शर्म करो। देश के साथ गद्दारी कभी भी वो नहीं होगी। सवाल पूछने का सबको हक है, पर उसके लिए समय, नीति और नियति तीनों तय होती है। इस बात को समझे कि देश विकट स्थिति के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, दूसरी तरफ चीन जैसा मजबूत देश हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है। इसलिए कम से कम सेना का मोरल डाउन मत कीजिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां, आने वाले समय में ये देश 130 करोड़ लोग आपको कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। हो सके 4 वोट आप ज्यादा जीत जाओ, परंतु अपने जमीर को आप क्या जवाब दोगे, क्योंकि आपका जमीर जानता है कि वो क्या है। क्योंकि यदि आप सवाल पूछोगे तो आपको सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे, और उन सवालों के जवाब जो पिछले 70 सालों में ये देश आपसे मांग रहा है, किसी भी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। इसलिए आगे कुछ भी बोलने के पहले कम से कम ये ध्यान दीजिए कि बुद्धिजीवी वर्ग आपके खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और भी उठ खड़ा हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।